देख रहे हैं पुंच टाइम्स और मैं हूं वसीम हैदरी। एक इंतहाई दुख भरी खबर तहसील सुरनकोट के फजलाबाद इलाके से सामने आ रही है, जहां एक 22 साल नौजवान की सड़क हादसे में मौत वाक हुई है। सरकारी जराया की जानिब से जो जानकारी फराहम की गई है उसके मुताबिक फजलाबाद से ताल्लुक रखने वाला ये 22 साल नौजवान, जिसकी शनाख्त अबरार आजम सनाफ मोहम्मद आजम के बतौर हुई है, एक थ्री व्हीलर ऑटो जेर नंबर JK 12-2188 में सफर कर रहा था, जब यह ऑटो फजलाबाद ब्रिज के पास पहुंचता है तो अचानक सड़क हादसे का शिकार हो जाता है। इसमें सवार अबरार आजम को सीरियस हेड इंजरी आती है, जिसके बाद उसे SDH सुरनकोट मुंतकिल किया जाता है। वहां पर इनका इब्तदाई इलाज और मुआवजा किया जाता है और फर्दर उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी शिफ्ट कर दिया जाता है, रेफर कर दिया जाता है। लेकिन बताया ये गया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी में जख्मों की ताब न लाते हुए वो इंतकाल कर गए, उनकी मौत वाकई हुई। अभी ये जराए से जानकारी मौसूल हुई है कि आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए उनकी डेड बॉडी को घर पहुंचाया गया है, जबकि इस हवाले से इस जिम्न में पुलिस स्टेशन सुरनकोट में एक केस भी दर्ज कर लिया गया है। आए रोज आप सड़क हादसा के हवाले से सुनते हैं, खबरें आप तक पहुंचती हैं। गुज़श्ता रोज भी आप तक ये खबर पहुंची थी कि एक एक्सीडेंट पेश आया है। इसके अलावा तहसील मंडी के इलाका राजपुरा से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स के हवाले से भी आपने सुना होगा, जिनका एक्सीडेंट नौशहरा में पेश आया था और वहाँ उनकी मौत वाक़ हुई थी। और इसी तरीके से आज भी फजलाबाद में एक एक्सीडेंट पेश आया है। ये दुख भरी खबर, इंतहाई दुख भरी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। फजलाबाद इलाका से ताल्लुक रखने वाले एक 22 साल नौजवान, जिसकी शनाख्त अबरार आजम सनाफ मोहम्मद आजम के बतौर हुई है, उनकी सड़क हादसे में मौत वाक़ हुई है। पहले उन्हें एक्सीडेंट के फौरन बाद SDH सुरनकोट मुंतकिल किया गया था, लेकिन वहाँ इब्तदाई इलाज और मुआवजे के बाद उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी शिफ्ट किया गया, मुंतकिल किया गया, लेकिन वहां पर उनकी मौत वाकई हुई। आप देखते रहे पुंछ टाइम्स। पुंछ टाइम्स के लिए वसीम हैदरी।